विषैले रिश्तों के 9 संकेत। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार एक बिच्छू हुआ करता था जिसे नदी पार करनी थी, इसलिए उसने एक मेंढक से पूछा कि क्या वो उसे नदी पार ले जाएगा। मेंढक को शक था कि बिच्छू उसे डंक मार देगा। बिच्छू ने वादा किया कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने नदी पार करते वक्त मेंढक को डंक मारा तो वो दोनों ही नदी में डूब जाएंगे। ये सुनकर मेंढक मदद करने को राजी हो गया और बिच्छू उसकी पीठ पर चढ़ गया। उन्होंने नदी आधी पार की ही थी कि बिच्छू ने अचानक मेंढक को डंक मार दिया बिना कुछ कहे। जब दोनों ही डूबने लगे तो मेंढक ने बिच्छू से पूछा कि उसने अपना वादा क्यों तोड़ा। इस पर बिच्छू ने जवाब दिया, ये मेरे स्वभाव में है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बेस्टी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप हमारे सभी नए वीडियोस और कंटेंट से अपडेटेड रहें। बिच्छू और मेंढक की कहानी कई तरीकों से पढ़ी गई है, लेकिन इसका उपदेश एक ही है। हमेशा ऐसे लोग मौजूद होंगे जो असहाय लोगों का लाभ उठाने के लिए तैयार होते हैं, और अक्सर उनकी मदद करने वालों को वो अपने साथ नीचे घसीट लेते हैं, वैसे ही जैसे अंत में बिच्छू मेंढक को अपने साथ ले डूबता है। साइकोलॉजी टुडे की डायन ड्रेयर के अनुसार, जो लोग सीमाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते और दूसरों की मदद पाने के लिए हेर फेर करते हैं, उन्हें गुप्त हमलावर कहते हैं। ड्रेयर चेतावनी देती हैं कि गुप्त हमलावर के लक्षण पहली बार में एकदम स्पष्ट नहीं होते, उस बिच्छू की ही तरह जो मुफ्त की सवारी के लिए मेंढक को धोखा देता है। ये जहरीले व्यक्ति अक्सर अपनी मनचाही चीज पाने के लिए सही बात कहना जानते हैं। वो आकर्षक और मधुर हो सकते हैं, या वो खुद को जरूरतमंद और असहाय दिखा सकते हैं कि आप उनकी मदद करने से खुद को रोक ना पाएं, जिसकी वो चाहत रखते हैं। किसी भी तरह ये लोग उस प्रकार के व्यक्ति नहीं जिनसे आप आक्रामक होने की उम्मीद कर सकते हैं, और जब तक आप चेतावनी भरे लक्षण देखना शुरू करते हैं, तब तक वो आपको पहले ही पूरी तरह से एक विषैले रिश्ते में डाल चुके होते हैं। संभावना है कि आप पहले भी इस तरह के रिश्ते में रहे होंगे, लेकिन उस समय आप उसे विषाक्त रूप में पहचान नहीं पाए होंगे। ये एक सहपाठी के रूप में बहुत ही सरल हो सकता है, जो हमेशा एक महत्वपूर्ण ग्रुप प्रोजेक्ट में अपना योगदान न देने के बहाने बनाता है, या फिर रोमांटिक साथी के रूप में गंभीर, जो आपको अपराध की भावना और भावनात्मक शोषण के माध्यम से नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। गुप्त हमलावर के सबसे आम चेतावनी संकेत और खतरे की घंटी को पहचानने में सक्षम होने से आप उनके मैनिपुलेशन में फंसने से बचने के लिए खुद की रणनीतियों को लागू करना शुरू कर सकते हैं। 2010 की बेस्ट सेलर इन शीप्स क्लोदिंग अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद मैनिपुलेटिव पीपल में डॉक्टर जॉर्ज साइमन उन विभिन्न रणनीतियों और योजनाओं के बारे में लिखते हैं जो गुप्त हमलावर दूसरों का लाभ उठाने के लिए अक्सर उपयोग करते हैं। साइमन औसतन गुप्त हमलावर की प्लेबुक से कम 9 सामान्य रणनीति की पहचान करते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि क्या कोई आपका फायदा उठा रहा है। पहला, फुसलाना। आक्रामक लोग सज्जन विचारों और चापलूसी के साथ मोह से आपके दिल तक रास्ता बनाएंगे। वो व्यक्ति की स्वीकृति पाने के लिए उन्हें वही सब चीजें कहेंगे जो सामने वाला सुनना पसंद करता है। कभी न कभी किसी सेल्समैन या सड़क के किसी रिक्रूटर से आपको रैंडम कॉम्प्लीमेंट मिला होगा, इस उम्मीद में कि मक्खन लगाने से आप रुककर उसकी बात सुन लेंगे। ये उन लोगों पर लागू होता है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्हीं बातों को कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जिससे दूसरों को विषैले रिश्ते में घसीटा जा सके। दूसरा, झूठ बोलना। मैनिपुलेटिव लोग सच्चाई को मरोड़कर या फिर सीधा झूठ बोलकर या जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छुपाकर, जिससे दूसरे व्यक्ति की नजर में अलग राय बनेगी, का प्रयोग कर अपना लक्ष्य पाने की कोशिश करते हैं। ये गैस लाइटिंग के रूप में भी जाना जाता है। हमलावर सच्चाई को इस तरह विकृत कर सकता है जिससे उसके शिकार को भ्रमित, भटका हुआ या किसी स्थिति के बारे में अपनी धारणा पर संदेह होने लगे। तीसरा, इनकार करना। झूठ बोलने की प्रवृत्ति के साथ इसे जोड़ें। हमलावर से उम्मीद ना करें कि वो उनकी गलती कभी भी मानेंगे। जब पूछा जाए तो आक्रामक व्यक्ति इससे सिर्फ इनकार कर देता है। वो आम तौर पर कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ये इल्जाम लगाने की, तुम्हारी मदद का मैंने फायदा उठाया, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता,
मुझे तो लगा था हम दोस्त हैं। चौथा, लापरवाही। क्या आपने कभी किसी दोस्त, सहपाठी या सहकर्मी को एक महत्वपूर्ण, समय संवेदनशील ईमेल भेजा है जिसका कोई जवाब ही नहीं आया, और जब आपने उनसे इस बारे में बात करनी चाही तो उन्होंने बस कंधा झटकते हुए जवाब दिया कि उन्हें मेल कभी मिला ही नहीं। हालांकि हो सकता है कि उनका इंटरनेट नहीं चल रहा हो उस दिन, पर ये चयनात्मक बेपरवाही का संकेत भी है। एक मैनिपुलेटिव तकनीक जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर आए हुए रिक्वेस्ट्स और मैसेजेस को अनदेखा कर आपसे पलड़ा झाड़ देता है। पांचवा, रुख मोड़ना। अगर झूठ बोलना और इनकार करना आपको राह से भटकाने के लिए काफी नहीं, तो गुप्त हमलावर से अपेक्षा करें कि वो आपको विचलित करने के लिए विषय को जल्दी से बदलकर अपने काम को छिपाने का प्रयास करेगा। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर उन बातों को अवॉइड कर बातचीत को नियंत्रित करते हैं जिनके बारे में वो जवाब देना या बात करना नहीं चाहते, और जल्दी से वो बात को बदल देते हैं जिससे दूसरा व्यक्ति भटक जाए। तो अगली बार जब आप महत्वपूर्ण बहस देख रहे हो तो अपने कान खुले रखें। छठा, गिल्ट। बातचीत के विषय को बदलने के अलावा गुप्त हमलावर दोष को भी दूसरे के सिर डालना पसंद करते हैं। जब दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं तो जो लोग विषैले रिश्ते बनाते हैं अक्सर अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अपने विवेक और अपराध की भावना का उपयोग कर दूसरे व्यक्ति पर अपनी खामियों और असफलताओं को थोपते हैं। सातवां, शर्मसार करना। मैनिपुलेटर्स और हमलावर अक्सर आप पर कटाक्ष कर, आलोचना कर और अन्य भद्दी रणनीतियों के माध्यम से नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। इन मौखिक अपमानों के माध्यम से नीचा दिखाने के साथ हमलावर इस उम्मीद में रहते हैं कि आप इतने निष्क्रिय हो जाएं कि उनके नियंत्रण में आ जाएं। आठवां, पीड़ित व्यक्ति का नाटक करना। इसके लिए तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो तो साफ तौर से मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा हूँ। उत्तेजक को अपनी तकलीफों को बढ़ा चढ़ा कर बताना पसंद है ताकि वो सहानुभूति के लिए दूसरों का शोषण कर सके। आखिरकार यदि आप किसी के लिए खेद महसूस करते हैं तो इससे संभावना है कि आप उनकी मदद करेंगे, है ना? पर कोशिश करें कि किसी भी इंसान के जाल में ना फंसें जो अचानक से मदद मांगने के लिए मैं पीड़ित हूँ वाला खेल खेलें। नवा, अज्ञान या भ्रम का नाटक करना। याद है हमने बताया था कि कैसे हमलावर को स्वीकार ना करना पसंद है? बुद्धू या मासूम बनने का नाटक करना एक और तरीका है जिससे हमलावर अपने सही रंग को छिपाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको संदेह होता है कि क्या वो वास्तव में दोषी हैं या नहीं। ये दिखावा करके कि उन्हें नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं, मैनिपुलेटिव लोग अक्सर उनका दोष किसी और पर डाल देते हैं और गुलाब की महक की तरह टकराव से बाहर आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या मैंने ऐसा किया? जब संभावित विषैले संबंधों की पहचान करने की बात आती है तो आप सबसे आम चेतावनी भरे संकेत जानते हैं, पर हम इस जानकारी के साथ क्या कर सकते हैं? हम समय समय पर उसी मैनिपुलेटिव जाल में पड़ने से खुद को कैसे बचा सकते हैं? वेल, ड्रेयर और साइमन के अनुसार सबसे पहला कदम है उन तरीकों के बारे में अधिक जागरूक बनना जिनमें ये जाल सेट किए जाते हैं, और फिर सचेत रहकर आप उससे बच सकते हैं। अगली बार जब आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो सबसे पहले खुद से पूछें, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, और उसके अनुसार भावनाओं को लेबल करें। आप क्रोधित या दोषी या भ्रमित महसूस कर सकते हैं। किसी विशेष अनुभव के दौरान भावनाओं को लेबल करने से हम उस तरीके को बदलते हैं जिससे हमारा दिमाग इसे प्रोसेस या परसीव करता है। ये हमें फोकस्ड रहने और समस्या को अधिक बारीकी से देखने की अनुमति देता है। वहाँ से आप तय कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, और उन्हें उनके मैनिपुलेटिव रणनीति और व्यवहार में खुद को गिरने देने की संतुष्टि ना दें। अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति दूसरों के लिए और खुद के लिए खतरनाक है तो उचित प्रोफेशनल को रिपोर्ट करें, जैसा कि आप सामान्य रूप से करते, जैसे कि आत्महत्या रोकथाम की हेल्पलाइन। जबकि आप दूसरों की मदद करने की इच्छा के साथ परोपकारी हो सकते हैं, अपनी भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है, और खुद की बलि देने से बचें।
दंत कथा के बिच्छू की तरह कभी कभी एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इच्छुक चीजों को पाने के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करने लगता है, जो अक्सर सभी के लिए आपदा बन सकता है। अगर आप पहले विषैले संबंध का शिकार हो चुके हैं या यदि आपको लगता है कि आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि इसके सबसे आम चेतावनी संकेत को कैसे पहचाना जाए, साथ ही साथ उनसे कैसे निपटें। क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो आप इस विषय पर बताना चाहें? क्या आप अपने व्यक्तिगत अनुभव और कहानियों को दूसरों के साथ साझा करने में सहज हैं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और बातचीत जारी रखें। और याद रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।